ओम शांति। आज 24 जुलाई 2022, आज की अव्यक्त मुरली, हर कर्म में ऑनेस्ट, हर कर्म में ऑनेस्ट, ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या। हर कर्म क्या मतलब होता है? कर्म में हम चोरी करते हैं कोई, क्या होता है कर्म में ईमानदारी? हाँ जी, एक ही बात बाबा ने रट रखी है, रोजाना नए नए तरीके से बताता रहता है, घुमा फिरा के, यानी तरीका नया हो जाता है। क्या कहना चाहता है बाबा कि जो भी काम करो सिर्फ और सिर्फ मेरी श्रीमत पर करो, बीच में जरा भी मन मत या पर मत मिक्स, ये है सारी, ये तपस्या। पता नहीं दुनिया क्या समझते रही है तपस्या, एक पैर पे खड़े हो जाओ, उल्टे खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ, इतनी जाप करते रहो, इतनी माला फेरते रहो, इतना क्या क्या पता नहीं, हाँ हाँ, या पानी पीते रहो, सिर्फ लिक्विड खाते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, पता नहीं क्या क्या शरीर पर जुल्म किए, और बाबा कहते खाओ पियो मौज करो, बस सिर्फ और सिर्फ मेरी श्री मत पर, बस और कुछ करने की जरूरत ही। और ये बाबा ने मुरली चलाई थी 18 दिसंबर 1991। अव्यक्त मुरली ये है, संडे है, आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे। बाबा के सामने जाना भी जुल्म है नहीं? जाओ तो चेक करेगा, देखेगा, ना जाओ सामने ना देखेगा, क्या नहीं? अब आने वाले बच्चों को तो जान छूट गई, ना बाबा के सामने जाएंगे, ना बाबा उनको देखेगा, ना बाबा शिकायत करेगा। जो जाते थे, यानी हमें 90 में ही जाना शुरू किया था, जबकि मुरलियाँ शुरू हो रही चल रही हैं, मतलब इसी सीजन में ही हम वहाँ 2-3 बार गए, 2 बार तो इसी सीजन में ही गए थे, यानी अब कौन सी डेट में थे ये तो अब याद नहीं है, क्योंकि 91 में 2 बार गए। की विशेष निशानी देख रहे हैं, तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई है, तपस्वी आत्मा की निशानी पहले भी सुनाई है, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, तपस्वी आत्मा का मतलब है कि वो ईमानदार आत्मा, ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट अर्थात वफादार, ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार, श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। यदि आप श्रीमत पर ईमानदारी से चल रहे हो तो वफादार हो, नहीं तो आपने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि अपनी मत पर चले तो वफादार बेवफा हो गए, किसी दूसरे की मत पर चले तो भी बेवफा। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्री मत के इशारे प्रमाण उठाती है, उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्री मत के इशारे पर ही चलता है, श्री मत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती,
ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा। वह स्विच ऑन किया तो वो ऑटो चलती रहेगी ना। जितने भी हमारे ऑटो हैं, साइकिल स्कूटर हो गया, कार हो गई, ये सब ऑटो पार्ट्स में आते हैं ना, क्योंकि ऑटो ऑटो चलते हैं ये। एक बार किक लगा दी, स्कूटर चलती रहेगी जब तक पेट्रोल बंद नहीं करोगे, है ना, या लाइट उसकी बंद नहीं करोगे, गाड़ियाँ चलती रहेगी, स्टार्ट रहेगी, तो उनका ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है। तेल खत्म हुआ तो वो रुक जाएगा, बिजली खत्म हुई, बैटरी खत्म हुई तो रुक जाएंगे। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है, क्योंकि उसमें चाहिए बिजली चाहिए, क्योंकि उसको चलाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, वो साधन पूरा हुआ वो रुक जाएगी। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलता रहे, क्योंकि आज तक कोई भी साइंटिस्ट शरीर को नहीं बना सका, रोबोट बना दिया परंतु शरीर का कोई भी पार्ट बना नहीं सकता। जितने काम शरीर कर सकता है, इसका कोई भी पार्ट वो नहीं बना सकता। कैसे काम करता है, कैसे चलता है, क्या वंडरफुल शरीर है, और इस शरीर को बनाने वाले कौन है? इस शरीर को बनाने वाली आत्मा है। क्या वंडरफुल शरीर बनाती है। जो हमारा अंडा अंडा बनता है या वीर्य बनता है, उसमें जो पाया गया क्या क्या पाए जाते हैं, इतना प्रोटीन पाया जाता है, इतना ये पाया जाता है, इतना वो, तो उतने प्रोटीन मिला करके कोई बना नहीं सका। अब मैंने पढ़ा ना कि कितने कितनी मात्रा में उसमें प्रोटीन है, कितनी मात्रा में ये है, इतनी मात्रा में ये है, इतनी मतलब उसकी सारा दिया है, परंतु उसके तरीके ये इस कोटि का है कि मतलब हम बना नहीं सकते। हम उतना प्रोटीन जोड़ दें नहीं बन सकता। अब ये जो रोजाना एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज का प्रोटीन रोजाना सभी बेच रहे हैं, इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन बेच रहे हैं, दुनिया भर के प्रोडक्ट जो है ना बेचे जा रहे हैं, नाम अलग अलग करके प्रोटीन बेचा जा रहा है। एकदम प्रोटीन खाने से तो ना प्रोटीन बन जाना है, या वो सारे जो भी तत्व हैं जिनसे हमारा ओज बनता है, जिनसे हमारी शक्ति बनती है, वो खाने से तो ना बनेगा। हम डाइजेस्ट करेंगे तब जाके बनेगा, ऐसे नहीं बन जाएगा। आज तक कोई भी मशीन, कोई भी साइंस का साधन यानी नहीं बना सकता। बच्चा तो तब बनाएगा, शरीर तो तब बनाएगा। क्योंकि मेन बात हमें समझने वाली है ना कि क्या कमाल का ये शरीर है। आत्मा ही इन तत्वों को बनाने के निमित्त, ऐसी मशीन को बनाने के निमित्त, और कोई बना ही नहीं सकता। अब इसमें कहा जाए कि परमात्मा ने बनाया, क्यों बेकार में दोष दिए जा रहे हो परमात्मा को? परमात्मा किसी अपना शरीर नहीं बनाता, किसी और के शरीर क्यों बनाएगा? अपने लिए ही शरीर नहीं बनाता, वो दूसरे के लिए शरीर क्या बनाएगा? उसे क्या जरूरत पड़ी है किसी का शरीर बनाने की? हर आत्मा अपने शरीर को खुद बनाती है, और क्या विशेषता है उस आत्मा की, सोचने वाली। और उस आत्मा को डिनाई करने वालों की भी मानता है कि आत्मा है ही नहीं, वो भी तो महान आत्मा ही है, कि जो कहते आत्मा है ही नहीं, नाम कुछ भी तो नहीं, उस प्राण मतलब चेतना, अरे भी आत्मा नहीं है, चेतना है। अब चेतना क्या है, कैसी है, कोई नहीं पता। मतलब चेतना के बारे में मैक्सिमम अद्वैतवाद वालों का यही हो गया कि आत्मा तो है ही नहीं, आत्मा तो परमात्मा है सारा, ये सब कुछ परमात्मा है, शरीर भी परमात्मा है, खेल भी परमात्मा है, जो कुछ देख रहे हैं सब परमात्मा है, ये सब कुछ वंडरफुल उसी का ही खेल है। वो आत्मा को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं।
हाँ नहीं मानते, वो सुनना ही नहीं चाहते, कहते ये तुमने बना दिए। वो सिर्फ एक, क्योंकि डिनाई करने वाले के लिए कोई भी, क्योंकि जो विद्वान आचार्य गुरु जो भी हुआ वो उसके बारे में एक मत पकड़ करके चलता है और उसी बात पर उसको डिनाई और एक्सेप्टेंस देने में चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं लगती। मतलब आप जिसको भी पढ़ेंगे और आप यदि पहली बार उसको पढ़ रहे हैं तो आप उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। परंतु ये तो जब आप कंट्रास्ट करेंगे, जब आप उसके अपोजिट भी आप जानकारी रखेंगे, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ सच क्या है और झूठ क्या है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। बाप दादा ने क्या किया? श्रीमत भर। जैसे ही बाबा के बच्चे बने और बाबा ने श्रीमत हमको दे दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है, नेचुरल चलती है और सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी क्या है, ईमानदार की पहली निशानी क्या है? हर सेकेंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चल, हर सेकेंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चल। अब इसके बाद याद करने का टाइम बचता है कोई कि हम गीत बजा के बैठे और याद करें, किसी की कमेंट्री बैठकर सुने? नहीं, कोई टाइम ही नहीं बचता। हमने जो कुछ करना है बाबा की श्रीमत पर। अब हम कमेंट्री सुन रहे हैं तो हमारे दिमाग में तो वो भाई या वो बहन रहेगा जो कमेंट्री कर रहा है। तो भाई या बहन कमेंट्री कर रहा है वो रहेगा, उसके द्वारा जो संकल्प आ रहे होंगे, जो जो वो दृश्य दिखा रहा होगा, हम वो दृश्य देखते रहेंगे, खेल रहे हैं। चलते सभी हैं लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। चलते तो सभी हैं, हम कितनी क्लियर लाइन कर रहे हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है, क्या करना है वही करता जाएगा। यह है नंबर वन ऑनेस्टी। नंबर वन आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि ये श्रीमत है या नहीं, पता लग गया बाबा ने कह दिया ये करना है ये नहीं करना, बस करते जाओ। उसे सोचने की जरूरत नहीं है कि ये श्रीमत है या नहीं है, क्लियर हो गया। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, श्रीमत क्लियर नहीं है। अब उसके लिए तो थोड़ा कठिन हो जाएगा योग लगाना, ये राइट है या रॉन्ग, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, रास्ता नहीं पता तो किससे पूछना पड़ेगा कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो टाइम जाएगा ना उसमें। इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति में आ जाते हैं, तीव्र गति से किस में आ जाएंगे, मध्यम गति में आ जाते हैं। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है, चलते सभी हैं लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर पर। सोचने वाला लेट हो गई होगा और थकने वाला थक गया तो छोड़ के चला जाएगा। थकते क्यों हैं? बाबा पूछ रहे हैं थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर, या तो बेंजी भाई जी की मत बीच में मिक्स कर दी या अपनी मन मत मिक्स कर। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक जाते,
वरना तो सीधा रास्ता था, बाबा ने तो कोई टेढ़ा रास्ता बताया ही नहीं है। और कहा कि अच्छा ऐसे जाना कठिन लग रहा है, ऐसे चलेगा। उसको डाइल्यूट तो किया, परंतु बाबा कहते वापस लौटना तो उसी रास्ते पर पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए इधर चले गए, रास्ता तो मेरे पास आने वाला एक है, दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। आप जितना इधर गए हो उतना वापिस आओ, जिसको बाबा कहते उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं फिर उनको उल्टी सीढ़ी से उतरना पड़ता। मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं तो आप सोचो टेढ़े चलने वाला कहां तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा और परिणाम क्या निकलेगा। थकना और निराश होकर लौटना, इसलिए सेकंड नंबर हो जाता। अनेक सेकंड गंवाया, एक सेकंड नहीं अनेक सेकंड गंवाए, अनेक श्वास गंवाए, सर्व शक्तियां गंवाई, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश होना, हो जाना कि चल रहे हैं, रोजाना मुरली सुनने जाते हैं, चल रहे हैं, जितना हो सक रहा है हम अपने आप को सुधार भी रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें खुश नहीं हो जाना, हम तो चल रहे हैं। लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो, चाल सही है, कहीं टेढ़े मेरे रास्ते पर तो नहीं चल रहे, स्पीड कैसी है, चेक करो। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है, भला हम अपनी मनमत परमत मिक्स नहीं कर सकते, आंखें बंद करके ये दोनों और बाबा की श्री मत पर चलना बस, और कुछ देखना सुनना सोचना करना। ऑनेस्ट आत्मा की निशानी है वे कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो श्वास का खजाना हो, चाहे संकल्प का खजाना हो, चाहे ज्ञान का खजाना हो। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष से भी ज्यादा। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन आठ आना और 800 के बराबर, आठ आना 800 रुपए के, क्योंकि आठ आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है, क्योंकि एक सेकंड में आप न्यारे और प्यारे कमल पुष्प समान पदम समान कर्म कर देंगे तो आपका पवित्र कर्म जमा हो गया। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवा दिया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को स्वयं प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट नहीं कहा जाए।
इसको भी वेस्ट नहीं कहा जाएगा। सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ। बाबा ने तो दिया, अब लेने वाले ने उसे लेकर खर्च नहीं किया का तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वे सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। कहानी याद आती है ना, वो तीन बच्चों वाली बुजुर्ग किसान बाइबल की स्टोरी है। तीन गेहूं की बोरी दे के जाता है और मैं आके हिसाब लूंगा, एक एक बोरी तीनों बच्चों को दे के जाता है, आके हिसाब लूंगा। बड़े वाले बेटे ने क्या किया, रख दे इसने टांड पे, बुढ़ा आएगा हिसाब लेगा, दे देंगे इसको। दूसरे ने बेटे ने सोचा कि ऐसे रखूंगा तो कहीं खराब हो जाए, सड़ जाए, खेत पड़े हैं इतने सारे, क्यों ना बो ही दूं। उसने एक बोरी गेहूँ बो दी। और तीसरे ने सोचा थोड़ा लेट कि सोच रहा था क्या करूं, बड़े की बात मानूं कि बीच वाले की बात मानूं, है नहीं। अब उसने सोचा छोटे वाले की बात ठीक है और उसने बो दिया, तो तब तक बोने का टाइम निकल चुका था तो वो खराब हो गया। अब बाप आ गया तो क्या किया, लाओ आपको एक एक बोरी गेहूं दे के गया था हिसाब दो। उसने कहा ये रखी तेरी बोरी ले ले। दूसरे ने कहा ये आपकी इतनी सारी बोरियां हो गई। तीसरे ने कहा मैंने बोई तो थी वो खराब हो गई। तो उसने कहा ठीक है, जिसने बोई उसी की सारी जमीन, जिसने बोने की मेहनत की उसको भी थोड़ा दे दिया। हाँ जी, अनेक बना दिए नहीं कि ये है इस धरती का मालिक, इसको सारी धरती दे दी जाए, परंतु जो जिसने कोशिश की उसको भी थोड़ी सी जमीन दे दी जाए, परंतु इसको ये नालायक है, ये जमीन का हकदार नहीं। ऑनेस्ट मतलब कहानी उन्होंने वहां लिखी अपने हिसाब से, मतलब ऑनेस्ट मतलब खजाना जो बाप का है उसको बढ़ाना है, घटाना वेस्ट नहीं। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना, बढ़ाने का साधन ही है उस खजाने को कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्वयं की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा, खजाना कभी भी बढ़ेगा। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजानों को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले, प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन मन और स्थूल धन, ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है, बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सब ने तन मन धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी, वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, ऐसे नहीं थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप, थोड़ा धन किनारे करके रख दिया, सारा आपका ये किनारे पर हो, जेब खर्च रखा, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा,
आई वेल के लिए किनारे करके रखना ये समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहां मेरा मेरा होता वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती, बहुत बातें हेरा फेरी। जेब खर्च के लिए किस लिए रखा? बाबा क्या कहता है? क्या आइसक्रीम ना खाओ, दूध मत पियो, रोटी ना खाओ, क्या कहता है? क्या खाना था आपको जिसके लिए आपको पैसा अलग रखना पड़ा? क्या खाना था? जो चीज के लिए मना की है वो खाने के लिए जेब खर्च रखा था क्या? ऑनेस्टी खत्म हो गई, ऑनेस्टी खत्म हो गई। जो चीज आप खा सकते हो, जो चीज आपको खानी है, खाने के लिए तो मना नहीं किया ना भाई। जिन चीजों को वर्जित किया है ये चीजें नहीं खानी, वो नहीं खानी, वो आप पैसे जेब खर्च अलग रख के कैसे खा सकोगे? जेब खर्च अलग रख के आप खा सकोगे? नहीं खा सकते। जब वो खाना ही नहीं है तो खाना ही नहीं है ना, फिर किसके लिए जेब खर्च रखना पड़ा? आई वेल के लिए रख रहे हो, पैसा काम आएगा? आई वेल पर पैसा काम आएगा? मुसीबत आ गई तो पैसा काम आएगा या बाबा की श्रीमत काम आएगी? बाबा ने कहा रखना चाहिए, परंतु जहां आपने रखा और उसे बाबा का रखा तब तो ठीक है, परंतु आपने किनारे करके अपने लिए रखा तो बाबा कहेगा फिर चिंता तेरे को है ना, मेरे को थोड़ा है चिंता, फिर मैं क्यों सोचूंगा? आईवेल के लिए रखा हुआ है ना तुमने, और आईवेल के लिए भी मेरे पास पैसा होगा, वो कोई जरूरी नहीं कि काम आए। और आना है तो कहां से आना है? वो आएगा, वो आएगा, वो आपको काम आना है तो वो आएगा। मतलब ये भी बहुत जरूरी, अच्छी तरह बुद्धि को समझाने की जरूरत, क्योंकि आपने यदि एक रुपया भी रखा होगा, एक कटोरी पे भी रखा होगा, अटैचमेंट मेरा है ना, एक रुपया भी मेरा है ना, वो मेरा तो बाबा के तहरे फेरी कराएगा, वो आपकी बुद्धि बार बार खींचेगा, आपको घर जाने नहीं देगा, शरीर छूटने नहीं देगा। आपने सिर्फ ये शरीर को कह दिया मेरा है तो भी आप शरीर छोड़ के घर नहीं जा सकेंगे, फिर क्या होगा? मैं कहता रहूं लास्ट तक शरीर मेरा है, फिर कैसे शरीर छोड़ के घर जाऊंगा? ये शरीर आपके सामने नष्ट होगा, आप इसको चला ही नहीं सकेंगे, फिर कहेंगे अच्छा चलता हूं घर। भाई जिस चीज में मोह होगा वो हमारे सामने नष्ट होगा, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वस्तु हो, कोई भी चीज हो, जब वो हमारे सामने नष्ट होगी तभी तो हम घर जाएंगे। हमारा बाबा बड़ा सख्त है, बहुत सख्त, रहम प्यार नहीं दिखाई देता, इतना कानून नियम इतने सख्त हैं। हाँ जी, इसलिए पहले सख्ती कर रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक, हम आपके साथ। उसको छिपाना पड़ता है ना, बाबा को तो नहीं बताएंगे ना, बाबा को बताओ फिर आई विल के लिए करो। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आपके पास 15 पैसे बचे हैं, 15 रुपए बचे हैं, 5 रुपया सेवा में दे दो, 10 रुपए रख लो,
तू बताओ तो सही ना, मेरे पास 15 रुपए हैं, आपने आई वेल के लिए, जेब खर्ची के लिए किनारे किए, तो गलत। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, वो भी कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो देते नहीं है 1 रुपया भी। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन या धन वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से, संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, ये भी वेस्ट में किया। इस शरीर को, इस मन को, किसी वस्तु को या धन को, मतलब आपने वेस्ट किया या ठीक प्रकार से यूज नहीं किया तो वो वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते, इस शरीर से वही करेंगे जो बाबा की श्रीमत, इस मन से वो सोचेंगे जो बाबा की श्रीमत, धन को उसी प्रकार से खर्च करेंगे जो बाबा की, संकल्प एक भी वो नहीं आएगा जो बाबा की श्रीमत पर। संकल्प को भी वेस्ट में, जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है। वो लूट के बैठा हुआ पकड़ के, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो नहीं है, हम समर्पण तो नहीं है, वो तो बहने समर्पित है, उनका धन बाबा का, उनका बैंक अकाउंट बाबा का, हम कोई समर्पित थोड़ा है जो हम अपने बैंक का अकाउंट बाबा को दे। तो घर बैठे वालों को भी लूट लेते, चलो समर्पित हुए थे उनको तो चलो लूटा सो लूटा है ना। ये तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्ट अर्थात अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं करें, अमानत में कभी भी ख्यानत, वेस्ट करना अर्थात अमानत में ख्यानत करना, आप ट्रस्टी नहीं है, आप सही ट्रस्टी नहीं। ट्रस्टी का काम है संभालना, ना कि उसे बर्बाद होने देना। ऑनेस्ट की निशानी, वे अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं कर सकते। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर ये सोचते हैं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया, लेकिन अर्थात अलबेलापन चाहे बुद्धि का हो चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। अलबेलापन क्या कर देता है? कर लेंगे फिर वो हर चीज, वो तन का भी, मन का भी, संकल्प का भी, अशुद्ध। अब खर्च करना चाहिए था, नहीं किया तो वेस्ट हो गया, टाइम के चला गया। तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, काम खर्च बाला नष्ट, खर्चा कम हो और लाभ ज्यादा। ये
ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाले, तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, ये है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसा नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तपस्या योग का मतलब है जो ज्ञान आपने बाबा से लिया उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं, तो योगी भी नहीं। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए। ये सब खजाने बाप दादा ने किस लिए दिए हैं? प्रयोग करने के लिए दिए। और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। प्रयोगी की निशानी क्या है? प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं, तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे पहले दिन आए थे वैसे के वैसे, वैसे के ठीक है। उसका तो कोई नुकसान नहीं है ना, है नुकसान? हाँ क्या नुकसान है? जैसे थे वैसे के वैसे हैं भाई। 1,00,000 रुपए का हमने दुकान में सामान भरा, कोई ग्राहक नहीं आया, हमने बिका नहीं सामान। हमारा तो 1,00,000 रुपए का सामान रखा है ना, नुकसान तो कोई नहीं हुआ ना। अच्छा वो नुकसान है, जो फायदा होता वो नुकसान हो गया। मैं बिकता तो कमाई होती ना। एक दिन हम सारा दिन बैठे रहे और कमाई नहीं हुई तो ये नुकसान। ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा लगता था, बहुत नशा था, अब नशा नहीं है, कम हो गया। तो प्रगति हुई या कम हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। प्रगति करने वाला क्या है? प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही अंदर पी रहे, अंदर ही अंदर रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का परिवार के परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। जिस पर पूरा विश्वास होता है उसके ऊपर विश्वास अधिकार भी दे देते हैं। ठीक है, हमें इस पर विश्वास है, ये काम पूरा करके आए। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहां तक बने? जो जो आपके साथ रहते हैं उनको विश्वास है आपके ऊपर, ये भी चेक करो।
ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं। अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं। फिर उसके कारण लंबे चौड़े लिखते हैं, सुनाते हैं। वे तो अनेक प्रकार कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं। कई कारण तो झूठे सच्चे बता देते हैं और कईयों के साथ कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी, दिल की भी ऑनेस्टी और दिमाग की भी ऑनेस्टी। अब दिमाग है शरीर का हिस्सा, उसकी ईमानदारी क्या? दिल तो हमें समझ में आ गया, मन बुद्धि और संस्कार जहां तीनों एक हो जाएंगे वो आत्मा का दिल। यहां क्या होगा? नहीं, दिल अलग किया, दिमाग अलग किया ना भाई जी। दिल की तो हमें समझ में आ गया, मन बुद्धि संस्कार तीनों एक, दिमाग तो हमारे शरीर का हिस्सा है ना। ना स्थूल वाला दिल नहीं, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। दिमाग का मतलब होता है यहां बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करना, सहज रीति से किसी बात को एक्सेप्ट ना। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं, चला क्या चलेंगे बहुत ज्यादा। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी, अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है, दिल की भी और दिमाग की भी, तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में लाई लेगी। जैसे कहावत है, सच की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है। विश्वास की नाव क्या है? सत्यता, ऑनेस्टी। तो डगमग होगी लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं, अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। स्वयं क्या बनो? सिद्धि स्वरूप बनो। अपने जीवन में उसके लाओ, उनको दिखाई दे कि इनके जीवन में ये है, कैसे इन्होंने अपने जीवन में लाया। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते, आगे बढ़ने बढ़ाने वाली आत्माओं को सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को
देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सन्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं, बाप की सृष्टि में भी आप हैं, ठीक है, और दृष्टि में भी आप हैं। प्रकाश मन अपनी सखी जानकी को याद प्यार भेजो, यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे, अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे, शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी, सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम। क्योंकि दादी जानकी तो बीमार ही रहते थे और इतनी हिम्मत है कि बीमार होने के बावजूद भी डिफरेंट क्लाइमेट्स में, अलग अलग देश के अलग अलग क्लाइमेट और उसके अंदर भी रहना। वरदान, मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भाव। निर्भय बनो और क्या बनो? ट्रस्टी। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए, आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर, क्या डर? वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही, वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही। लेकिन यदि कोई भी, लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा, कोई भी मेरा मेरा होगा, मेरा शरीर मेरा सूट कुछ भी मेरा मेरा होगा, तो माया बिल्ली क्या करेगी? मैं आऊं माया बिल्ली क्या करेगी? मैं आऊं फिर को अच्छा जा रही है तो एक बार आ जा, कोई बात, चाय पी के फिर चली जाए। बाबा एक मुरली में से खुद तो उसको बुला लेंगे, कहते अच्छा आखिरी बार तू जा रही है, चल जाते जाते चाय तो। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है, आप ट्रस्टी हो। ये शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव, जरा भी किसी में लगाव नहीं। श्लोक, अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो क्या हो, स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना। कोई सपना ही ना है रात को दिन को जिसमें हद का संस्कार दिखाई दे। बाबा के श्रीमत के विरुद्ध कोई संकल्प स्वप्न आए तो समझ लो कि अभी कच्चे। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो
1310696 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।